down for you. Could you just tell me how many digits it is? Aye. So that I can sort of program my mind, you see? How many digits by how many digits? They're both 8 digits. 8-digit numbers? Yes. Okay, fine. I'll look at it once it is written down. Okay, now, the question is 2, 4, 5, 9, 3, 7, 2, 8 multiplied by 3, 8, 7, 2, 2, 1, 3, 6. Now tell me, Ayaz, you want me to give you the answer from this side to this side or this side to this side? Oh, my God. I don't think he wants the answer. What a choice. Okay, go, tell me, go backwards. I think let Chandrasekhar decide. Okay. Chandrasekhar, do you want the answer from this side to this side or this side to this side? No, we'll keep the unconventional method later on. Let's go the conventional route first. This way, you mean? Yeah, we have enough problem digesting the whole multiplication. No, itself. This way? Yeah. This way? Why don't we do it differently? What about the panel? Would you prefer the other way? No, we should start from the left. From this way. Yes. Left, right? Right. Okay, I got the answer already. The answer is 9, 5, 2, 3, 2, 1, 6, 8, 0, 3, 6, 3, 0, 0, 8. I wouldn't believe if that was right. Is it correct? It's exactly correct. Absolutely right correct? Penny. Yeah. Thank right you. On the penny. I can't believe that. Are you sure it's even one digit is not wrong there? It's perfectly correct. तो अभी हमने देखा कि कैसे शकुंतला देव जी ने एक बड़े से मल्टीप्लिकेशन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दिया बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए. उन्होंने जो भी किया अपने माइंड में किया. तो आइए हम भी देखते हैं ऐसे कुछ ट्रिक्स जिससे क्या इतना जल्दी से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है. तो हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है, हम भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या. सो हम देखते हैं कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं. जैसे कि अपने को ये दिया गया है कि 6, 3, 4, 8, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन हम करें तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 4, 2, 0, 3. और जैसे ये नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, अगर इसको देखा जाए तो ये आएगा 4, 4, 7, 0, 1, 1. और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे कुछ, ये तो 3 digit into 3 digit का मल्टीप्लिकेशन था. अगर हम देखें 3 digit into 2 digit का मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा. हम जो डिजिट नहीं दी गई है उसकी जगह हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं. तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 6, 7, 3, 2, और 1. तो इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है, ये ट्रिक हम देखते हैं कि इतना जल्दी हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो आइए हम भी इस ट्रिक को सीखने की कोशिश करते हैं. अब क्या होता है कि जब भी किसी मल्टीप्लायर में अगर दो नंबर हो, तो दो नंबर होते हैं मल्टीप्लायर में, 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है अगर मल्टीप्लायर में 2 digit हो. तो हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे इस प्रकार से लिख लेते हैं कि पहले अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट होती है उन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 8 into 3 करेंगे तो ये 24 आएगा, इसको हमने राइट डाउन कर लिया. इसी प्रकार से फिर हम इनको डायगनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस प्रकार से, उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 8 into 6, 48 और 3 into 4, 12. तो इसको लिख लिया हमने 60. फिर हम इसको छोड़ देते हैं, जैसे हमको इस प्रकार से लिख लेते हैं, और इस वाले यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 into 4, 24 आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, अब 4 है यहाँ से 24 से, तो हमने 4 लिख लिया. ये 2 आगे ऐड कर देंगे तो 62 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख लिया. और ये 6 आगे ऐड कर देंगे तो 24 + 6, 30. तो ये 3024, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 3024 आ गया था. ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इसको सीख सकते हैं. अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वाला है उसको देखते हैं कि उसका कैसे आंसर आएगा. तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 into मल्टीप्लाई में 3 digit है, और तो 3 digit into 3 digit का मल्टीप्लिकेशन है. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि वही सेम प्रोसेस यहाँ रखेंगे, पहले जो यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 6 into 4. फिर हम 2 को देखेंगे तो 3 into 4 और 5 into 6 ऐड कर देंगे 42. फिर हम 3 का देखेंगे इस प्रकार से, तो 3 का देखेंगे वो 43, उनको लिख लेंगे. फिर हम क्या करेंगे कि ये वाले इस वाले को छोड़ देंगे, इधर से 2 क्रॉस एलिमेंट ले लेंगे. जैसे ये वाले हैं तो ये ले लेंगे 5 into 4, 3 into 2, इनको हमने ऐड कर लिया. फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया
चार और दो आठ, इसको लिख लिया। अब वही सेम मेथड अब इनको हम राइट डाउन करके लिख लेंगे। फोर फोर 24 का तो 4 आ जाएगा, 2 आगे हो जाएगा तो 4 4 लिख लिया, 4 आगे हो जाएगा 43 और 4 47 तो 7 आ गया, 4 आगे हो जाएगा 26 और 4 30 0 आ गया, 3 आगे हो जाएगा तो 8 और 3 11, तो इसका आंसर ये हो गया 110744। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे दो डिजिट हो नीचे और ऊपर तीन हो, यानी कि 3×2 का मल्टीप्लायर हो, तो उसको कैसे देखेंगे, उसको भी इसी प्रकार से देख लेंगे। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो राइट डाउन कर लेते हैं हम जीरो, तो फिर सेम मेथड पहले इन दो को करेंगे तो 6636, फिर इन दो को करेंगे तो 6726 54, फिर इन तीन को करेंगे, इनको करेंगे और इनको करेंगे, तो यहाँ पे ये 4×6 0×6 होगा तो 0 हो जाएगा, और 6×4 और 7×2 तो 38 आ गया। फिर अगर हम इन दो को लेंगे इधर वाले को तो 7×0 तो 0, 4×8 आ जाएगा, और फिर 4×0 तो 0 आ जाएगा। अब हम इनको लिखेंगे 36 का 6 और 3 आगे ऐड कर देंगे 7, 57 5 आगे ऐड कर देंगे 43, 3 4 आगे ऐड कर देंगे 8 और 4 12, तो ये 12376। अगर अपने को 4×4 का मल्टीप्लायर दिया गया हो तो इस प्रकार की ट्रिक को भी हम इसमें इस बार 4 ले लेंगे, तो 4 ले लेंगे तो क्या होगा, पहले इन दो का करेंगे, फिर इन दो का करेंगे, फिर इन तीन का लेंगे, और फिर हम इसको 4 से भी कर लेंगे। तो इस प्रकार ये कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में हम बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ अपने को लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसको अगर हम प्रैक्टिस में लें तो ये कुछ ही सेकंड में अपने माइंड में सॉल्व करके भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। थैंक यू, आई होप कि आपको ये मेथड समझ आया होगा।